जहां किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस आगे आ गई है। प्रदेश कांग्रेस पदयात्रा करने जा रही है। आपको बता दें, कांग्रेस ने चरणबद्ध पदयात्रा की घोषणा की है। 20 फरवरी को ब्लॉक स्तर पर 10 से 20 किलोमीटर की पदयात्रा वो करने जा रहे हैं। 28 फरवरी को प्रदेश स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन भी इस दौरान किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से मिल रही है, जहां किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस आगे आई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोहन तिवारी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहन, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, जैसा कि पहले से इस बात के संकेत थे कि जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके समर्थन में खुलकर कांग्रेस सामने आएगी। अब तक अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस ने इसे समर्थन दिया, उसी पर और एक संकेत और एक मैसेज जो है वो केंद्र सरकार को दिया जाए, इसलिए 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जारी किए हैं, जिसके अंतर्गत जो अन्नदाता किसान वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली बॉर्डर में, उनके समर्थन में ब्लॉक स्तर पर पदयात्राएं होंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगे और उसके बाद जिला स्तर पर पदयात्रा और जो सम्मेलन है वो किया जाएगा और 28 तारीख को एक बड़ा प्रदेश स्तरीय किसान सम्मेलन करने की कांग्रेस की तैयारी है। तो इस तरीके से चरणबद्ध रूप से जो किसान आंदोलन कर रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ, उनके समानांतर आंदोलन करने का फैसला कांग्रेस ने लिया है और इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ से जो होगी उसकी कार्यक्रम की शुरुआत 10 फरवरी से किए जाने की तैयारी है। जी, बहुत शुक्रिया मोहन तमाम जानकारी के लिए। तो रायपुर से ये खबर है, जहां अब कांग्रेस ने मोर्चा संभाल लिया है, किसान आंदोलन के समर्थन में पूरी तरह से सामने आ गई है कांग्रेस। 10 फरवरी को ब्लॉक स्तर पर सम्मेलन होगा, वहीं 20 फरवरी को 10 से 20 किलोमीटर की एक पदयात्रा निकाली जाएगी और 28 फरवरी को प्रदेश स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा।